दोस्तों आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हो सकता है आप में से काफी लोगों ने ना सुना हो, पर जितने भी लोगों ने इसका नाम सुना है इसके लाभ से जो परिचित हैं वो इसकी महानता का जिक्र करते करते कभी नहीं थकते, क्योंकि यह औषधि है ही इतनी प्रभावशाली। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पुष्प धनवा रस की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुष्प धनवा रस के प्रयोग से न केवल पुरुषों की नपुंसकता को दूर किया जा सकता है बल्कि अन्य सभी यौन रोगों में यह बहुत अधिक लाभकारी रहती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार इसका प्रयोग महिलाओं को माँ बनने का सुख प्राप्त करवा सकता है। इसी के साथ इसके अन्य लाभों से भी आज हम आपको अवगत करवाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बतलाएंगे कि इसे बनाने में किन किन घटकों का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार इसका सेवन करना सबसे अधिक लाभदायी रहता है, और इसे प्रयोग करते समय आपको किन किन सावधानियों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही लाभदायक जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज अच्छे से बतला दूं कि यहां पर उपलब्ध जानकारी केवल और केवल आपके ज्ञानवर्धन हेतु है, आप इसका प्रयोग स्वयं की चिकित्सा के लिए ना करें, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आप इन औषधियों का इन नुस्खों का प्रयोग करने का इच्छा रखते हैं तो एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह उसे लीजिएगा या फिर आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे फोन नंबर 7988282175 पर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको उचित परामर्श उपलब्ध करवाएंगे। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और आपको बतलाते हैं पुष्प धनवा रस के बारे में। दोस्तों पुष्प धनवा रस अत्यंत अधिक काम उत्तेजक, धातु पौष्टिक, शक्ति व आयु की वृद्धि करने वाला शुक्रवर्धक है। इसके प्रमुख घटक हैं रस सिंदूर जो कि बलवर्धक, उत्तेजक और योगवाही का कार्य करता है, वहीं नाग भस्म जो कि स्तंभक, बल्य और मेह नाशक का कार्य करती है, बंग भस्म, अभ्रक भस्म जो कि धातु पुष्टि के साथ साथ समस्त योगवाही और रसायन का कार्य करती है, समस्त मानसिक विकारों में यह लाभ पहुंचाती है, लोभ भस्म जो न केवल आपके शरीर को बलशाली बनाते हैं बल्कि आपके रक्त धातु में भी वृद्धि करते हैं, शुद्ध धतूरा बीज, विजय सार, यष्टि मधु अर्थात मुलेठी के साथ साथ इसके अंदर सेमल मूसली और पान के पत्तों का रस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसे बनाने में रस सिंदूर और शुद्ध धतूरे बीज जैसी तीव्र औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके चलते यह बहुत जल्दी लाभ दिखाई देना प्रारंभ कर देती है। इसके नियमित और उचित सेवन से अवांछनीय वीर्य स्राव, विभिन्न प्रकार के वीर्य विकार, ध्वज भंग अर्थात लिंग का उत्थान ना होना या फिर लिंग बिल्कुल ही ना उठना, बंधत्व अर्थात किन्हीं कारणों के चलते वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होना या ना होना या फिर उनकी गुणवत्ता बहुत ही कम होना जिसके चलते संतान के उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी स्थिति में पुष्प धनवा रस का बहुत ही लाभकारी प्रयोग देखा जाता है। इन सब के अलावा कई बार पुरुषों व स्त्रियों की उचित उम्र आने के पश्चात भी लिंग के अनुसार उनके चिन्ह नहीं दिखाई देते, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूछ अच्छी प्रकार से नहीं उगती या फिर वृषण अच्छी प्रकार से विकसित नहीं हो पाता, गुप्तांगों के स्थान पर बाल नहीं उगते, आवाज पतली बनी रहती है, वीर्य में शुक्राणु नहीं उत्पन्न होते, वहीं महिलाओं में उचित उम्र आने के पश्चात भी स्तनों का विकास नहीं हो पाता, उनके प्रजनन अंग अविकसित बने रहते हैं, विशेष तौर पर ओवरी का विकास नहीं हो पाता जिसके अंदर डिंब अर्थात अंडों का उत्पादन होता है, ऐसी स्थिति में पुष्प धनवा रस का बहुत ही अच्छा प्रभाव मैंने खुद अनुभव किया है। इसके अलावा कई बार किसी भी कारण के चलते पुरुषों व महिलाओं में काम के प्रति इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी पुष्प धनवा रस का काफी लाभकारी प्रयोग देखा जाता है। वहीं हड्डियों की कमजोरी में भी पुष्प धनवा रस का प्रयोग काफी प्रभावी रूप से मैंने अनुभव किया है। चलिए अब आपको इसे प्रयोग करने की विधि और बतला देते हैं। इसे प्रयोग करने की विधि बहुत ही आसान है, एक एक गोली सुबह शाम शहद या दूध के साथ प्रयोग की जाती है या फिर जो भी उचित अनुपान आपके चिकित्सक द्वारा आपको बताया जाए उसके साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसे प्रयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी आपको यह रखनी है कि इसे बनाने में रस सिंदूर और शुद्ध धतूरे बीज जैसी औषधियों का तीव्र औषधियों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में बिना चिकित्सक की सलाह के आप इस औषधि का प्रयोग ना करें, यही इस औषधि की प्रमुख सावधानी है। ध्यान रखिएगा बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के आप इस औषधि का प्रयोग ना करें।
आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है और चाहते हैं कि पूरे जग में आयुर्वेद की महिमा फैले तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।